एक तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर में कई अलग अलग तरह की खराबियों की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी ही शिकायतों को लेकर इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनी ओला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार ओला के स्कूटर को लेकर एक ऐसी शिकायत आई है जो कंपनी के लिए एक नई समस्या खड़ी कर सकती है। इस बार शिकायत यह है कि ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर अचानक दो टुकड़ों में टूट गया। दरअसल ट्विटर पर श्रीनाथ मेनन नाम के एक यूजर ने ओला के स्कूटर के दो टुकड़ों में टूटने की शिकायत दर्ज की है। उसने अपने ट्वीट में ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल को टैग कर लिखा है, कम स्पीड पर ड्राइव करने के बावजूद इस स्कूटर का फ्रंट फोर्क टूट गया। अब हम इस गंभीर और खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं। हम इस स्कूटर का रिप्लेसमेंट चाहते हैं, साथ ही चाहते हैं कि इसके डिजाइन को बदला जाए ताकि घटिया क्वालिटी के मटेरियल की वजह से होने वाली दुर्घटना से हमारी जान बच सके। मेनन के इस ट्वीट के बाद तो सोशल मीडिया पर ओला के स्कूटर की शिकायत का अंबार लग गया। कई लोग ट्विटर पर स्कूटर की क्वालिटी पर सवाल खड़े करने लगे। एक अन्य यूजर ने भी पोस्ट कर कहा कि महज 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने पर भी स्कूटर टूट गया। इस तरह की शिकायत मिलने के बाद कंपनी भी हरकत में आई है और ग्राहकों को भरोसा दिया है कि कंपनी जल्द ही ऐसे यूजर्स के साथ कनेक्ट करेगी और इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेगी, और अगर कोई सुधार की जरूरत होगी तो उसे तुरंत ठीक भी किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देश भर से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की घटनाएं तेजी से सामने आ रही हैं। हाल ही में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में लगी आग की घटनाओं ने ग्राहक सहित कंपनियों और सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की सेफ्टी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसी घटनाओं का सरकार के मिशन पर विपरीत असर पड़ रहा है। भारत सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में सरकार ने इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटनाओं के जाँच के आदेश दिए हैं और इसके अलावा DRDO को एक टीम गठित कर घटनाओं की जांच करने को भी कहा है। बहुत जल्द ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, तब ये जाकर खुलासा होगा कि आखिर इन घटनाओं की वजह क्या है। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि रिपोर्ट के आधार पर सरकार नियमों में क्या बदलाव करती है और कंपनियों पर क्या कार्रवाई करती है।